शोहर के तीन काम बीवी को मुतनफ़िर कर देते हैं। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा या अली वो कौन से काम हैं जिनके करने से इंसान बीवी के दिल से निकल जाता है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, मियाँ तीन काम कभी ना करना। तीन काम करने वाला शख्स बीवी के दिल से निकल जाता है, बीवी की मोहब्बत से निकल जाता है। पूछा गया, हजरत या अली वो तीन खतरनाक काम कौन कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, मियाँ पहला काम, बीमारी की हालत में बीवी को अकेला मत छोड़ना। बीवी की बीमारी की हालत में, तकलीफ की हालत में बीवी को अकेला मत छोड़ना। याद रहे, बीमारी की हालत में औरत को सबसे ज्यादा उसके शोहर की जरूरत होती है, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका शोहर ही कुल कायनात होता है। और तकलीफ के वक्त, बीमारी के वक्त, दुखों के वक्त, दर्दों के वक्त शोहर का थोड़ा सा हौसला कि मियाँ परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, ये वाला जो थोड़ा सा हौसला है औरत के सारे गम हल्के कर देता है। फिर मैं दूसरा काम, अपने घर वालों के सामने, दीगर औरतों के सामने अपनी बीवी को इज्जत देने में कभी देर न करना, अपनी बीवी को इज्जत देने में पीछे मत हटना। क्योंकि जो शोहर अपनी बीवी को दीगर औरतों के सामने इज्जत देता है, दीगर औरतों के सामने शोहर से इज्जत लेने वाली बीवी खुद को कायनात की सबसे बड़ी इज्जतदार औरत समझती है, क्योंकि बीवी को इज्जत देना भी एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। फरमाया, तीसरा काम बड़ा ही खतरनाक काम है, ये कभी ना करना। कभी भी भूल कर भी बीवी के सामने बीवी के वालिदैन को गालियां मत देना, बीवी के सामने बीवी की बहन को, बीवी के भाई को गालियां मत देना। जो शख्स बीवी के सामने बीवी के वालिदैन को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, वो बीवी की नजरों से गिर जाता है, घटिया तर इंसान हो जाता है। फिर वो बीवी के सामने काबिल इज्जत, काबिल एहतराम नहीं रहता।